गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज धरा श्रीवास्वा, योर इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव अनदर चैप्टर फ्रॉम आवर बुक द हनीसकल. एंड फ्रॉम दिस बुक वी हैव अ चैप्टर नेम्ड अ गेम ऑफ चांस. वी ऑल नो दैट वी ऑल टेक चांस, एंड दोज हु टेक चांस दे हैव इट्स प्रोज एंड कॉन्स टू. मीन्स देर इज ऑलवेज अ होप ऑफ समथिंग गुड हैपनिंग, एंड ऑन द अदर हैंड there may be something which can go wrong. So today we are going to discuss a story of a boy who tries to check his chance. Now let's start the chapter and listen to me word by word and try to learn the new meanings. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. हर साल ईद के त्यौहार पर हमारे गांव में एक मेला लगता था. फेयर मतलब मेला, ओकेज़न मतलब त्यौहार, एंड ईद वी ऑल नो ईद फेस्टिवल होता है. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली ऑन वन डे, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. ईद तो सिर्फ एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती थी, लेकिन जो मेला लगता था वो कई दिनों तक चलता था. मैनी मतलब कई. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड. ट्रेड्समैन मतलब जो भी व्यापारी, जो भी दुकानदार, जो भी शॉपकीपर वहाँ पर आते थे, वो दूर दराज से आते थे और वो हर तरह का सामान लेकर के आते थे टू सेल, उसे बेचने के लिए. अगर आप भी किसी मेले में गए हैं तो आपको ही पता है कि वहाँ पर लगभग हर किस्म के सामान मिलते हैं और अच्छे दामों में मिलते हैं. और जब आपको कई सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं तो आप खरीदने को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उस तरह से उनकी सेल भी अच्छी हो जाती है. यू कुड बाय एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफलो. मैंने बताया आपको कि ऐसी जगहों पर हर तरह की चीज़ें जब सेल होती हैं तो वहाँ पर आप एक पिन से लेकर के एक बफलो तक भी खरीद सकते हैं. मतलब वहाँ पर सब कुछ सेल हो रहा था. अंकल टुक मी टू द फेयर. जो मेरे चाचा थे, जो मेरे अंकल थे, चाचा मामा कुछ भी हो सकते हैं, अंकल अंकल होता है. सो ही टुक मी टू द फेयर. वो मुझे मेले में ले गए. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस. भैया जो हमारे साथ हमारे घर पर हमारे लिए काम किया करते थे, वो भी हमारे साथ आए. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. फेयर पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी. क्राउड मीन्स भीड़. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड when he met a few of his friends. अंकल हमें उस भीड़ के थ्रू हमें आगे मेले में लेते जा रहे थे, तब ही उन्हें उनके कुछ फ्रेंड्स मिल गए. फ्यू मतलब कुछ. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम. उनके दोस्त चाहते थे कि अंकल कुछ समय उनके साथ भी गुजारें. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कम बैक केम बैक. अंकल ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो मैं आसपास मेले को घूम फिर के देख सकता हूँ भैया के साथ, जब तक कि अंकल अपने फ्रेंड्स से मिलकर के वापस आते हैं. आई वॉज़ हैप्पी टू डू दैट. और ऐसा करने में मैं खुश था कि इसी मुझे कि मुझे पूरा मेला देखने का मौका मिलेगा. तो आई वॉज़ हैप्पी टू डू दैट. मेले में ऑब्वियस बात है, हम सभी जाते हैं तो हम घूम के हर एक चीज़ को देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं. अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाई एनी थिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. लेकिन अंकल ने मुझे चेतावनी दे दी, अंकल ने मुझे वॉर्न कर दिया कि मुझे ना तो बहुत दूर जाना है, ना तो मुझे कुछ ख़रीदना है, और जब तक वो नहीं आ जाते मुझे वहीं पर आसपास ही रहना है, भैया के साथ घूमना है. आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. एंड मैंने प्रोमिस किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा वहीं पर. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. भैया और मैं दुकान से दुकान जा रहे थे. देर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय, बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ख़रीदना चाहता था, लेकिन मैं अपने अंकल का इंतज़ार कर रहा था कि वो लौटें. रिटर्न मतलब लौटना, कि वो लौटें तो मैं उनके, क्योंकि उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ नहीं खरीदूँगा. सो ही वॉन्टेड हिज अंकल टू रिटर्न सो दैट ही कैन बाय दोज थिंग्स. देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. और तभी हमें एक नई शॉप मिली वहाँ पर जिसका नाम था द लक शॉप, लकी शॉप. द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड. जो उसका दुकानदार था उस शॉप का, वो ना तो बहुत ही बुजुर्ग था, बूढ़ा था, ना ही बहुत ही यंग था, ना कि बहुत जवान था. ही वॉज अ मिडल एज मैन. वो एक मिडिल एज का व्यक्ति था, जो कि मिडिल एज हम किसे कहते हैं,
जो कि व्यक्ति ना बड़ा हो ना बुढ़ा हो ना छोटा हो, बीच का यानी कि 40-40 ईयर्स का कोई व्यक्ति था। ही सीम्ड टू स्मार्ट, नॉट टू स्मार्ट, नॉट टू लेजी। ना तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था ना ही बहुत ज़्यादा आलसी दिख रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो चाहता था कि हर एक कोई वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाए। देर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। जो उसके सामने जो टेबल थी उसकी शॉप पर, उस पर खूब सारे डिस्क रखे थे। डिस्क एक तश्तरी नुमा जो शेप होता है, तश्तरी का शेप होता है, उसे डिस्क कहते हैं। उस पर कुछ नंबर्स लिखे थे 1 to 10, और वो सब पलट करके उस डेस्क पर, टेबल पर रखे हुए थे। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू प्ले 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डिस्क। आपको उस गेम में करना क्या था? आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ 50 पैसे देने थे हर बार, एंड आपको कोई भी 6 तस्तरियाँ वहाँ से, डिस्क वहाँ से उठा लेनी थी। फिर उस पर जो भी नंबर्स लिख के आते तो उन नंबर्स को आपस में ऐड करना था, एंड फाइन टोटल, और उनका टोटल निकालना था। सपोज़ करिए कि वहाँ पर 10 डिस्क रखी थी और आपने 6 डिस्क उठा ली। अब आपने इन 6 डिस्क पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा है। सपोज़ करिए किसी पे 1 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 1 लिखा है। तो आप इन चीज़ों को, इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे। इन नंबर्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा, वो नंबर अगर जिस भी उस दुकान पे और भी सारे आइटम्स रखे थे, सपोज़ करिए वहाँ पे एक पेन रखा हुआ है, ठीक है, और इस पेन पर जो भी सम आया है, सपोज़ इट्स 314 48 8 and 6 14, 14 and 1 is 15 and 15 and 7 are 22। सो इस पेन के ऊपर अगर 22 लिखा है तो देन दिस पेन इज़ योर्स, ये पेन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज दी गेम विच वॉज बींग प्लेड ऑन दैट टेबल। सो वॉट हैपन कि ही वेंट टू दैट शॉप। सो नाउ वॉट डिड ही डू? एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। फिर वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने 50 पैसे दिए और उसने 6 डिस्क को वहाँ से उठा लिया। ही एडेड अप दी नंबर्स, उन सभी नंबर्स को ऐड किया और फाउंड आउट द टोटल वॉज 15, और उसके नंबर्स का जो टोटल आया वो कितना आया? 15। ही वॉज गिवेन द आर्टिकल मार्क्ड 15। फिर उसको जो आर्टिकल था, जो सामान था, जिस पर कि 15 मार्क किया हुआ था, 15 लिखा हुआ था, उसने उस व्यक्ति को वो 15 मार्क्ड की जो आर्टिकल थी उसको दे दिया। और वो सामान क्या था? वो एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी, एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी थी वहाँ पर, जो कि अब उस आदमी ने जीत ली थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था उसे घड़ी चाहिए ही नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने क्या किया? शॉपकीपर ने कहा कि ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो ये लीजिए, 15 रुपये आप रखिए और ये घड़ी मुझे खुद वापस दे दीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद द मैन वॉज सुपर हैप्पी, जो व्यक्ति था जिसने उस घड़ी को जीता था वो बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, ये तो घड़ी वापस मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो थैंकफुली इसने 15 रुपये में ख़रीद ली और देखो मुझे 14.50 मनी वापस उसको मिल गई। तो दैट मैन वॉन द मनी, ठीक, इस तरह से हुआ। देन क्या हो गया? अब आगे देखिए, द मैन वेंट वेरी प्लीज, वो आदमी बहुत ही खुश होकर के वहाँ से चला गया। प्लीज मतलब हैप्पी। फिर क्या हुआ? देन अ बॉय, फिर एक लड़का आया, अ लिटल ओल्ड देन माई आई, मुझसे थोड़ा सा बड़ा था। ही ट्राइड हिज लक, वो उसने भी अपनी लक को आजमाया। ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ ₹25, और उसने क्या जीता? उसने जीता एक 25 पैसे की एक कॉम्ब यानी कंघी। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, और इस पे जो दुकानदार था वो ना तो बहुत खुश दिख रहा था ना ही बहुत सैड था। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, फिर उसने उस बच्चे से 25 पैसे में वो जो कॉम्ब थी वो वापस खरीद ली। तो शॉपकीपर क्या कर रहा है? बेसिकली लोगों को गेम खिलवा रहा है, फिर लोग जो चीज़ें जीत रहे हैं वो अगर उनको नहीं चाहिए तो वो उनसे वो वापस ख़रीद ले रहा है। दिस इज़ द होल प्रोसेस गोइंग ऑन नाउ। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, फिर वो जो बच्चा था उसने अपनी दोबारा से आजमाया खुद को, दोबारा से गेम को खेला। ही गॉट अ न्यू फाउंटेन पेन वर्थ ₹3, तो फिर उसे अगली बार क्या मिला? उसे एक फाउंटेन पेन मिल गया जो कि 3 रुपये का था। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ ₹25।
एंड जब उस लड़के ने तीसरी बार ट्राई किया तो उसे क्या मिल गई, उसे एक रिस्ट वॉच, एक कलाई घड़ी मिल गई जो कि 25 रुपये की थी। वेन ही ट्राइड अगेन, फिर उसने चौथी बार भी ट्राई किया तो इस बार उसने क्या जीता, तो उसने इस बार जीता एक टेबल लैम्प। और इस तरह से उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें जीती। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। जो लड़का था वो बहुत ही हैप्पी हो गया, और जब वो वापस गया अपने वहाँ से दुकान से वापस गया तो ही वॉज स्माइलिंग एंड ही हैड इनफ कैश। तो वो बहुत ही हंसता खुश दिल से वो उस दुकान से गया। नाउ आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, लड़का कह रहा है, द राइटर जो है हमारी स्टोरी का वो कह रहा है, आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपने लक को आजमाना चाहता था। आई लुक डेट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा, ही एनकरेज मी, और फिर मेरे भैया ने मुझे प्रोत्साहित किया कि हाँ ठीक है चलो तुम भी ट्राई कर लो। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, और फिर मैंने 50 पैसे भी दिए एंड फिर मैंने 6 डिस्क वहाँ से टेबल से उठाई। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा जो किस्मत थी, मेरा जो लक था वो इतना अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, और फिर शॉपकीपर ने मुझसे वो दोनों पेंसिल 25 पैसे में खरीद ली। मतलब अर्लियर द बॉय हैड पेड 50 एंड नाउ दिस टाइम ही हैज़ पेड 25 मोर, यानी कि टोटल कितने पैसे दे दिए, 75। शॉपकीपर को उसने इतने पैसे दे दिए। आई ट्राइड अगेन, शॉपकीपर लड़के ने फिर ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक एंड ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, इस बार जब मैंने फिर ट्राई किया तो मुझे एक इंक की एक छोटी सी बॉटल मिली और वो उसके भी दाम बहुत ही कम था, वैल्यू मतलब प्राइस। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने मुझसे 25 पैसे और ले लिए उस इंक की बॉटल के लिए। ओके, तो नाउ कितने पैसे हो गए, 100 पैसे हो गए। अब देखिए फिर क्या हुआ, आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, फिर मैंने तीसरी बार फिर ट्राई किया, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, और इस बार भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। कौन कह रहा है, द बॉय हु इज़ प्लेइंग, वो ये कह रहा है। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again. मेरे पास बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, एक बड़ा प्राइज़ जीतने की मेरी चाहत थी और उसके लिए मैं अपने लक को बार बार ट्राई करने के लिए तैयार था। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, हर बार मैं 50 पैसे देने को भी तैयार था, लेकिन मुझे एक बड़े अमाउंट का चीज़ खरीदना था ऐसा मैं सोच रहा था। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, लेकिन हर बार मुझे क्या मिली, एक कम वक्त मुझे एक बहुत ही मामूली सी चीज़ ही मिली। ट्रिफल मतलब देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, देखिए ट्रिफल मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, कोई भी सामान जो कि बहुत कीमती ना हो, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का हो, उसे हम ट्रिफल कहते हैं, बहुत ही सस्ती चीज़ जिसे हम कह सकते हैं। ओके, अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, इस बार फिर क्या हो गया, अब देखिए लास्ट मिनट में लड़के के पास कितने पैसे बचे, सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे बचे, और इस बार शॉपकीपर ने बड़ी ही काइंडनेस दिखाई, बहुत ही दयालुता दिखाई, और शॉपकीपर ने कहा आई कुड आई द पे वंस मोर विद 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। तो शॉपकीपर ने मुझे ऑफर किया कि या तो मैं एक राउंड और खेलूँ या मैं 25 पैसे उसको दे करके वहीं पे मामला ख़त्म करूँ। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपीयर्ड, फिर मैंने लास्ट टाइम फिर से ट्राई किया और इस बार भी मेरे पैसे गायब हो गए, मेरे पैसे ख़त्म हो गए, एंड आई डिड नॉट गॉट अ पेनी, और मुझे कुछ भी चीज़ नहीं मिली। देखिए यहाँ पर टेबल पर डिस्क रख रखी है, मैंने बोला ना तश्तरी नुमा चीज़ें होती हैं उन्हें हम डिस्क कहते हैं, इसी के डिस्क कहते हैं। आप डिस्क थ्रो का गेम भी खेलते हैं स्कूल में, आपको पता होगा। नाउ पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ तो मेरी बुरी किस्मत पर हंस भी रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपथी, लेकिन किसी ने भी मुझ पर अपनी तरस नहीं दिखाया, मुझ पर अपनी सिंपथी नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट फ्रॉ टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, फिर मैं और भैया वहाँ से चले गए और वहाँ पर जहाँ पर अंकल ने हमें छोड़ा था हम वहाँ पर पहुँच गए और अंकल के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। प्रेजेंटली ही केम, फिर उनके अंकल वहाँ पर आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला रशीद यू लुक अपसेट, वॉट इज़ द मैटर, उन्होंने पूछा कि राशिद क्या बात है, तुम अपसेट लग रहे हो, क्या बात हो गई। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम वॉट हैड हैपन, जो भैया थे उन्होंने अंकल को बता दिया जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉट सैड, जो अंकल थे
वो ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे ना ही बहुत उदास थे। ही स्माइल एंड पैटेड मी, उन्होंने मुझको देख करके मुस्कुराया और मेरी पीठ को थपथपा करके ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। वो मुझे एक शॉप पर ले गए और वहाँ पर मेरे लिए एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला यानी कि एक खूबसूरत सी छतरी खरीदी, बिस्किट खरीदे, स्वीट्स खरीदी और कुछ अदर लिटिल गिफ्ट्स भी मेरे लिए खरीदे। देन वी रिटर्न्ड होम, और फिर इसके बाद फिर हम अपने घर को वापस आ गए। बैक होम, घर आने के बाद अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। उन्होंने मुझे समझाया कि जो लकी शॉप का जो व्यक्ति था, जो शॉपकीपर था, उन्होंने मेरे मुझे बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने मेरा मतलब मुझे मुझे लूटा है बेसिकली, मुझे बेवकूफ़ बना करके मेरे पैसे ले लिए। नो अंकल आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। लड़के ने बोला कि नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, जो सिर्फ मेरी बुरी किस्मत है। नो माई बॉय सेड अंकल, अंकल ने बोला नहीं मेरे बच्चे, इट वॉज़ नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। ये ना तो किसी लक की बात है, ना ही कोई गुड लक की बात है, ना ही कोई बैड लक की बात है। बट अंकल आई सेड, मैंने बोला लेकिन अंकल, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक, मैंने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति ने एक घड़ी जीती और एक लड़के ने दो दो तीन कॉस्टली चीज़ें, बहुत ही महंगी चीज़ें भी जीती। ऐसा उस लड़के ने खुद को क्लैरिफाई करने के लिए अपने अंकल से कहा। यू डोंट नो चाइल्ड, तुम्हें नहीं पता है बच्चे, अंकल ने कहा। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो जो दोनों थे वो शॉपकीपर के भी फ्रेंड थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू दर योर ट्राई योर लक, वो लोग जो थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स खेल रहे थे, प्रैंक कर रहे थे, वो सिर्फ एक तरह का एक तरीका था तुमको फंसाने का, तुमको लुभावनी चीज़ें दिखा करके तुम्हें आकर्षित करने का, ताकि तुम भी अपनी किस्मत को आजमाने के नाम पर उनके पास जाओ और उन पे पैसे खर्च करो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारे पैसे चाहते थे और उन्हें वो पैसे मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इस बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबॉडी, और अब किसी को भी ये मत बताना, क्या ना बताना, ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, या अपने बैड लक के बारे में या जो तुमने बेवकूफ़ी करी है इसके बारे में तुम अब किसी को मत बताना। सो नाउ हियर कम्स टू एन एंड टू द स्टोरी, वी हैव डन द स्टोरी एंड व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम इट। वी ऑल लर्न फ्रॉम द स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट बी टेम्प्टेड बाय ऑल सच थिंग्स। अगर इफ समबडी ट्राइज टू फूल यू लाइक बाय चैलेंजिंग योर लक एंड ऑल, इट्स ऑल वर्थलेस। लक, गुड लक, बैड लक जैसा कुछ भी नहीं होता है, इट्स ऑल योर हार्ड वर्क। और अगर कोई आपको ऐसे लुभावनी चीज़ें दिखाता है, आपको टेम्प्ट करता है, आपको आकर्षित करता है, आपको बेवकूफ़ बना करके आपसे कुछ चाहता है, देन यू बेटर बी अवेयर, आप उस चीज़ से अवेयर रहें। यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर सेंस एंड डू नॉट फॉल इन टू ऑल दीज टेम्पटेशन, इन सारी टेम्पटेशन से आप दूर रहें। थिंक लॉजिकली एंड नेवर एवर डिसओबे योर पेरेंट्स। वेन एवर योर पेरेंट्स से दैट स्टे हेयर और डोंट गो अराउंड, you better don't do anything against them. Okay, so this is the story and we have come to an end. Just read it throughout once again. एक बार फिर से आप इस कहानी को पढ़ेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप मार्क करेंगे, उनकी वर्ड मीनिंग्स को सर्च करेंगे, कुछ मीनिंग्स देखिए साइड में यहाँ पर दे भी रखी हैं, दीज आर वेरी यूजफुल, इनको भी आप नोट डाउन किया करें डे टू डे। एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे, आगे के साथ डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग में इशू है तो मुझसे पूछ लें, जो भी वर्ड समझ में ना आया, कोई लाइन समझ में ना आई हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वर्ड मीनिंग्स पे स्पेशल ध्यान दें बच्चों, नेक्स्ट मंथ में आपके PT2 भी होने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू क्लास।